रावल के बीच अब सब कुछ पहले जैसा नहीं है। ये रिश्ता अब कानूनी पचड़े में फंसता जा रहा है। कपल अपने अपने हिस्से का सच जनता के सामने रख रहे हैं, मगर अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। मगर जिस तरह से दोनों के रिश्ते बिगड़ने को लेकर पिछले कुछ समय से अफवाहें सामने आ रही थी, अब वो अफवाहें जरा से समय में ही हकीकत का रूप ले चुकी हैं। करण मेहरा ने जेल से छूटने के बाद निशा के खिलाफ कई सारी बातें कही। अब इन पर खुद निशा ने एक इंटरव्यू पर बात की है और उस पर रिएक्ट दिया है। बता दें, करण के बाइपोलर वाले आरोप पर निशा कहती है, करण ने जो कहा वो अपने बचाव के लिए कहेंगी, ये मेरे लिए शॉकिंग नहीं है। मैं अपना सिर क्यों फोड़ूंगी, मैं एक एक्टर हूँ, अपने चेहरे से मुझे प्यार है, मेरा एक बच्चा है, मैं क्यों रिस्क लूंगी। मैं डायग्नोज हूँ बाइपोलरिटी से, लेकिन मैं पागल नहीं हूँ। 2014 सितंबर में मैं 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और बच्चा खोया था। इसी बीच हस्बैंड आपको मार रहे हैं, तो मैं डॉक्टर से जाकर मिली। मेंटल हेल्थ से अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मैं करण की वजह से डिप्रेशन में चली गई थी, उनके हर स्टेटमेंट मुझे हर्ट कर रहे थे। मैं किसी मेडिकेशन में नहीं थी, लास्ट जो डोज ली है वो एंजाइटी वाली ली है। करण बहुत कंट्रोलिंग रही है, मुझे डॉक्टर, जिम या किसी से भी मिलना होता था, करण रोक दिया करते थे। बता दें, इसी के साथ निशा ने खुलासा किया है कि बच्चे की जिम्मेदारी मैं लूंगी, मुझे नहीं लगता कि करण बच्चे की कस्टडी में इंटरेस्टेड है। मैंने जब पूछा कि अगर काविश तुम्हारे पास रहता है तो क्या करोगे, उन्होंने दो टूक सा जवाब देते हुए कहा कि मैं शूटिंग के वक्त इसे पापा मम्मी के पास दिल्ली छोड़ कर आऊंगा। आप ही बताएं, हमारी तो बच्चे की कस्टडी को लेकर कोई बहस ही नहीं हुई, वो चाहते ही नहीं कि काविश के साथ रहें। वहीं निशा ने इतना बड़ा खुलासा किया है। निशा अपने बेटे की सिक्योरिटी को लेकर एक लंबे समय से परेशान चल रही थी। करण से अलगाव के बाद ही निशा अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। काम की खोज में उन्होंने मैकडॉनल्ड तक के कॉन्टेक्ट्स निकाले हैं। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान निशा के दो खास दोस्त मोनिशा और रोहित वर्मा उनकी सपोर्ट में खड़े रहे। बता दें, इसके अलावा कश्मीरा शाह ने भी निशा का सपोर्ट किया है और कहा है कि वो हमेशा से उनकी दोस्त है और वो सब जानती है। और इसी के साथ आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज की रिपोर्ट और मैं हूँ आपके साथ साधिका कौर। धन्यवाद।